मेरा नाम लाइबा है। अच्छा आप लाइबा? अच्छा आप मतलब किस स्कूल से हैं? राम निवास से, तका सराय, हापुड़। कॉलेज है? नहीं स्कूल है। अच्छा इंटर स्कूल। अच्छा आप किस क्लास में हैं? मैं नाइन्थ में हूँ। यहाँ पर सभी बच्चे नाइन्थ में हैं, हालांकि हम बीटेक में हैं, फिर भी ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा तो आप अपने प्रोजेक्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? हमने कूलर फ्यूचर में यूज़ होने के लिए बनाया, ताकि हमारा कूलर अगर कामयाब हो गया तो आगे चल जा सकता है। हमने इसमें ना ही किसी घास का यूज़ करा और ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बैटरी, हमने बैटरी से बनाया है और साथ साथ नीचे एक्वेरियम भी दिया है। और इसमें हमने ऐसे फंक्शन कराया है जाके हमें खास घास की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमने पंप से मोटर फिट करी है, जो यहाँ से पानी ऊपर आता है और ऊपर यहाँ से फॉल में यूज़ होता है और जिसके ज़रिए ठंडी हवा आती है और यही हमें दोबारा गर्म हवा भी दे सकता है, वो भी सर्दियों में। इसके अंदर हमने हीटर फिट कर रखा है, इसके अंदर हीटर है यहाँ पर, जो पानी को गर्म करेगा और वो फिर वो गर्म हवा देगा पानी के जरिए। अच्छा जो आपने नीचे यूज करा है ये क्या चीज़ है? पंप। ये पानी, ये दो काम करता है, एक तो हमारा पानी को ऊपर से नीचे लाएगा और हमारा पानी साफ करता है। अच्छा ये पानी साफ फिल्टर करने का काम करता है? हाँ जी फिल्टर करने का काम करता है। अच्छा ये जो नीचे है ये मतलब स्टोन्स फिशेस? अच्छा मतलब डेकोरेट के लिए है? डेकोरेशन के लिए ये सब। अच्छा, तो अच्छा ये आपने मोटर फिट किया है जी, तो आपको इसका मतलब आइडिया कहाँ से आया? बस अचानक से आ गया। अच्छा हमको सिखा रहा है? घर में सब चीज थी। अच्छा तो पहले कूलर सोच रही थी, फिर मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो किसी ने नहीं बनाई हो, तो वो बना दी हमने। वैसे आपका प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट आप इसमें ये हीटर वीटर वाला कंसेप्ट मतलब कैसे, मतलब कहाँ सोची? कोई तो हेल्प किया होगा या फिर? हाँ जी मेरे पापा ने हेल्प करी। अच्छा। हमारी घर में एक एक्वेरियम है, तो सर्दियों में हमारी फिशेज बहुत मरने लगी थी, तो हमने सर्दियों में उनके लिए हीटर लाए, तो हमारे दिमाग में जब हमने कूलर बनाया था तो थोड़ी ठंड सी थी, तो हमने हीटर भी इसके अंदर लगाया इसीलिए। अच्छा अच्छा इस कंसेप्ट के बारे में आपने जरूर पहले पढ़ा होगा? नहीं नहीं पढ़ा, फिर भी आपने बना दिया। कोई नहीं, और चार्जिंग भी होता है ये तो? हाँ जी चार्जिंग होता है, ये चार्जर यहाँ पे लगा। अच्छा आगे क्या क्या है? आगे हमारी ये है जो हवा ऊपर ठंडी हवा ऊपर और नीचे करने के लिए। अच्छा ऊपर कुछ स्विच भी है? हाँ जी ये स्विच है, एक तो फैन का है। अच्छा। चार्जर है, पंप है और हीटर है, इन सब के स्विच। अच्छा चार्जर और स्विच से क्या होगा मतलब? चार्जर जब हम चार्जिंग का बटन ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करेंगे, तो हमारा जो बैटरी है वो चार्ज होने लगेगी, और फैन की तो है ही, फैन हमारा चल रहा है उससे, और ये पंप जो ऊपर पानी बह रहा है ना, ये पाइपों में से निकल रहा है। हाँ हाँ। ये वो पंप के जरिए निकल रहा है और हीटर हमारा पानी गर्म करेगा। अच्छा चाहे तो हम इस पानी को मतलब जो सर्कुलेशन आ रहा है रोक भी सकते हैं? हाँ रुक सकता है ये यहाँ पे। अच्छा नहीं यहाँ पे पंप दो, तीन नंबर ये तीन नंबर फैन ऑन कर चालू कर दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर इसको चार्ज करना है तो हमको वापस मतलब स्विच की जरूरत क्या है? स्विच इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सी बार हमने ये लगा रखी है। अच्छा। इसके जरिए हमारी चार्जिंग भी चलती है और हमारा पंप हीटर चलेगा। अच्छा हमारी बैटरी फुल है, अब हम उसे और चार्ज नहीं करना, अगर स्विच नहीं होगा तो हमारी बैटरी चार्ज होती चल जाएगी, चार्ज होती जिससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम उसे चार्ज करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा कोई नहीं, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका प्रोजेक्ट आगे जाएगा मुझे ऐसा उम्मीद है, और थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।